जहां एक ओर किराना व्यापारियों के खिलाफ या उनके द्वारा की जा रही मुनाफाखोरी या कालाबाजारी के विरोध में सामने आ गए हैं एडवोकेट सागरमल शर्मा, तो एक पढ़ी लिखी गृहिणी भला कैसे पीछे रह सकती थी। पढ़ी लिखी गृहिणी से जब संपर्क किया इंदौरिया टाइम्स की टीम ने, तो उसने बताया कि किस तरह से उसे अपनी किचन को फिट रखना होता है, किस तरीके से उसे अपने घर को एक तरह से सैनिटाइज करना है, किस तरह से आने वाले व्यक्ति से उसे सावधान रहना है, और यदि घर की जरूरतें उसकी बढ़ती भी हैं तो वो एक ही बार लिस्ट बनाकर घर के मुखिया को घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन उसका एक सजेशन है कि बार बार घर से बाहर जाने और आने से निजात यदि पानी है, तो प्रशासन के द्वारा फल और सब्जियों की कुछ गिनी चुनी वैरायटी की एक रेट फिक्स कर दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, मुनाफाखोरी से बचा जा सके, कालाबाजारी पे रोक लगाई जा सके। हम मिलते हैं एक पढ़ी लिखी गृहिणी एडवोकेट पूनम भारद्वाज से, देखते हैं आखिर उनकी क्या सोच है, वो अपनी होम मिनिस्ट्री को किस तरह से संचालित करती हैं, ये भी अपने आप में शायद किसी एडवाइजरी से कम नहीं। कोरोना के कारण तो हम ऐसे बचाव कर सकते हैं कि जो किचन में जो वस्तुएं हैं, जैसे सब्जियां, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और कद्दू, हम इसको स्टॉक करके रख सकते हैं और घर से बाहर नहीं निकले जेंट्स लोग भी, तो ये देख सकते हैं। और जैसे दालें, आटा और चावल, ये सब भी हम स्टॉक करके रख सकते हैं, तो कोरोना की स्थिति से हम थोड़ा राहत मिल सकती है कि हमें बाहर ना निकले। आप जो लिस्ट देती हैं वो घर के जेंट्स सामान लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली की जा रही है, तो और ज्यादा स्टॉक करेंगे तो वो सामान खराब भी हो सकता है। तो कौन सी ऐसी 5 किराना की चीजें आप प्रीफर करेंगी तो हफ्ते भर तक घर का मूवमेंट को रोका जा सके? जैसे किराना स्टोर में जैसे दाल, चावल और बेसन और जैसे चने, राजमा, ये सारी चीज़ें हम स्टॉक करके रख सकते हैं, और तेल, इससे ना हम मतलब बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक ही बार हम मंगा के घर में उसको रख सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से आपने अपने घर को किस तरह से एक तरह से सैनिटाइज करने का प्रयास किया है? दिनचर्या में जैसे साफ सफाई आप लोग किया करते थे, अभी ऐसा क्या विशेष आपने अपने घर के अंदर डेवलप किया है? हमने अभी पूरे घर की साफ सफाई की है और डेटॉल वगैरह और सैनिटाइज से पूरे गेट वगैरह और सबको पूछते हैं, और टॉयलेट्स भी वगैरह सब साफ रखते हैं, और जो भी कोई आता है गेट पे या कहीं पे, हम उसको डेटॉल से साफ करते हैं। सारी साफ सफाई घर में भी पोछा और हाथ भी हम सैनिटाइज बार बार करते हैं, ऐसे हम बचाव कर सकते हैं। यानी आने वाले हर एक व्यक्ति को पहले सैनिटाइज करने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद में आप घर की साफ सफाई को हर कुछ अंतराल के बाद, जैसे हाथ धोने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ऐसे ही घर की सफाई भी अब दिन में 4 बार होती है। अगर कोई बाहर चला जाता है तो उसको पहले हाथ सैनिटाइज से धोने चाहिए, और उसके बाद वो नहा ले तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि ये वायरस बालों से भी आ सकता है, कपड़ों से भी आ सकता है, तो हमें बचाव रखना चाहिए इस चीज से। आज मैं आपके घर में आया हूं और अब मैं जाऊंगा तो इसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे आप? हम बस वो मतलब पूरे घर की सफाई करेंगे और जहां जहां आपने टच किया उसको साफ करेंगे और पोछा वगैरह लगाएंगे, ऐसे ही बचाव कर सकते हैं हम। आपने देखा एक पढ़ी लिखी गृहिणी ने किस तरह से आपको वो साधन भी बता दिए हैं, वो उपाय बता दिए हैं कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय लोगों ने स्वतः ही एक दूसरे के घरों में आवाजाही बंद कर दी है, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है किसी वजह से तो रिश्ते ये नहीं कहते कि उनसे दूरियां पैदा की जाएं, लेकिन हाँ सावधानी ही बचाव है। जो भी व्यक्ति आता है उस गेट को, उसके हत्थों को, उन सबको सैनिटाइज करना चाहिए। आने वाले मेहमान के सबसे पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाने चाहिए और उसके जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं है आने जाने वाले लोगों के लिए, जैसे कि ड्राइंग रूम बनाया गया है वो पर्टिकुलर वहीं पर आए, और उनके जाने के बाद उस व्यक्ति को उस पूरे एरिया को वहां से साफ किया जाना चाहिए। यदि हर एक गृहिणी इस तरह की अवेयरनेस का परिचय देगी तो संभवतः हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं और यही एक सबसे बड़ा बचाव है। आपका धन्यवाद जो आपने चैनल को अपनी बाइट के जरिए एक पब्लिक में मैसेज प्रदान किया।